हेलो एवरीवन, एडिवेज फाउंडेशन के इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष जानकारी के साथ हमारा जो सेगमेंट है, क्या आप जानते हैं भारत में सोना कैसे निकाला जाता है, कहाँ मिलता है और इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, हुट्टी और ऊटी नामक खानों से। क्या नाम है खानों के? हुट्टी और ऊटी। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड हीरा बुद्धिनी और केंद्रू कोचा की खानों से के कुछ भाग से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। हम झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहां से एक टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जा रहा है और हर वर्ष औसतन 7 kg यानी 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों से। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड हीरा बुद्धिनी और केंद्रकोचा की खानों से कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर जो सोने को निकालने का जो प्रोसेस है, वो या तो वो अकेला निकलता है या वह पारे के साथ या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनाराइट अयस्कों के रूप में भी यह पाया जाता है। अब ज़्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। इस लेख में हम झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहाँ से एक टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम निकाला जाता है और हर वर्ष 7 kg 7 किलोग्राम। जो सोने के खान के अंदर की जो चट्टान है, वह देखिए किस तरीके से होती है। ये इमेज का जो सोर्स है, हमने ये भी आपको यहाँ पर बताया कि कहाँ से ली गई है और इसको निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक हैं। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं, इनमें से जो पहली 4 हैं वो किसके द्वारा हैं? मनुष्य कृत यानी मानव के हाथों से, जबकि 3 रासायनिक हैं। प्रक्रिया 1, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है, इसके जांच भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है। पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया 2, दूसरी प्रक्रिया है पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। और अब बात करते हैं प्रक्रिया 3 यानी तीसरे नंबर की, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, बट यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिसमें पत्थर छनता रहता है या छन जाता है। नंबर 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर
जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाए जाते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। जैसे पहली रासायनिक प्रक्रिया है साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है और खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया अमलगमेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध होना एक प्रक्रिया है, मतलब स्वर्ण अयस्क शुद्ध सोना हासिल करने की सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों के रूप में पीस लिया जाता है और इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बनाते हैं या बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता और इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तीसरी प्रक्रिया है फ्लोटेशन। ये रासायनिक प्रक्रिया क्या है? फ्लोटेशन। एक और तरीका जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है, जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है और संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तैलीय फिल्म परत सी बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को परत को अलग कर लिया जाता है और फिर इसको आकार दिया जाता है। दुनिया में सोने की बहुत सी खाने हैं, जैसे किम्बरले अफ्रीका में, ग्रेसबर्ग पापुआ, कार्लिन नबादा अमेरिका में, वेला डेरो अर्जेंटीना, लिहिर पापुआ न्यू गिनी। इस प्रकार ये जो खाने हैं जिसमें दी हुई है दुनिया में जो प्रमुख खाने हैं, और इसको निकालने की प्रक्रिया से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज़्यादा होते हैं। तो आज की जानकारी में हमने जाना कि सोना भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसको निकालने का प्रोसेस क्या है। लोगों के मन में यह एक प्रश्न था कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है। आज के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ इस सेगमेंट में हम फिर आएंगे एडुबेस फाउंडेशन के एजुकेशनल चैनल के माध्यम से।